आप देख रहे हैं वेद इंसान। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चातुर्य मास क्या है और इन दिनों में किस किस देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चार विशेष महीने होते हैं, जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। और वह महीने होते हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। बता दें कि देवशयन एकादशी से ही चातुर्य मास की शुरुआत हो जाती है, जो कार्तिक के देव प्रवर्धिनी एकादशी तक चलती है। दोस्तों, ये बताते हैं आपको चातुर्य मास क्या होता है। चातुर्य मास के समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करना मना रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता, इसी अवधि में अषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से तीन पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। वहीं उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। यही नहीं, अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी किया करते हैं और इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात करते हैं कि चातुर्य मास में किस किस देवी देवता की पूजा होती है। दरअसल अषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान वामन और गुरु पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सावन के शुभ महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है और उनकी कृपा सरलता से मिल जाती है। वहीं भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनकी कृपा अवश्य बरसती है। साथ ही आश्विन के महीने में देवी और शक्ति दोनों की उपासना की जाती है। यही नहीं, कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में मंगल कार्य का आरंभ हो जाता है। दोस्तों, ये बात करते हैं कि चातुर्य मास में खान पान कैसा होना चाहिए। चातुर्य मास में केवल एक ही बेला भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान रहे कि इन चार महीनों में जितना सात्विक रहा जाए उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। वहीं श्रावण में शाक का, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जितना संभव हो मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न जरूर करें। दोस्तों, आगे आपको बताते हैं कि चातुर्य मास में अपनी किस मनोकामनाओं के लिए कैसे पूजा करें। अषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा व उपासना करना आपके जीवन के हर संकट को दूर कर देंगे और आप एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दूसरी ओर सावन में भगवान शिव की पूजा जरूर करें, ताकि आपको विवाह, सुख और आयु की प्राप्ति जरूर हो। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना बहुत ही फलदायी मानी जाती है और इससे संतान और विजय का वरदान भी मिलता है। आश्विन में देवी और श्री राम की उपासना शुभ मानी जाती है। बता दें कि इसे विजय, शक्ति और आकर्षण सभी के वरदान की प्राप्ति भी होगी। कार्तिक में श्री हरि और तुलसी की उपासना होती है और इससे राज्य सुख और मुक्ति मोक्ष दोनों का वरदान मिलता है। साथ ही गायत्री मंत्र, पीपल की पूजा और एक समय के आहार से पूर्ण रूप से तेज और आयु की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।